अच्छा बेटा हो जाए तो अच्छा है, पर नहीं होए तो क्या रोते रहना अच्छा है? क्यों मेरी माँ? बेटा होना अच्छा है, पर ना होए तो रोते रहना अच्छा नहीं है। बेटे के लिए रोना अच्छा है या भगवान के लिए? जोर से, जोर से, हाँ भगवान के लिए रोया करो। जिसके बेटा नहीं होता ना, उसको बड़ा लोग ताने मारते हैं, बेटा नहीं है तेरे, बेटा नहीं है तेरे। और सबसे ज्यादा ताने कौन मारता है? माताएं, सास, जिठानी, देवरानी, जो भी है सब रिश्तेदार। महिलाओं का यही काम है। क्या हुआ, शादी हुई नहीं कि वो ताकने लगती है पेट की तरफ, बढ़ा की नहीं। पुरुषों का कोई लेना देना नहीं है ज्यादा, पुरुष फिर भी समझा लेता है अपने आप को। अच्छा समझा तो स्त्री भी लेती है, पर स्त्रियां ना स्त्रियों को बड़ा टॉर्चर करती हैं, परेशान करती हैं। सही है कि गलत है? किसी को बेटा बस ना हो तो उसका जीना हराम कर देती हैं कुछ स्त्रियां, ताने मार मार के, डंक मार मार के, तुम्हें बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। क्या करोगे बेटे का? मीराबाई को बेटा था क्या? नाम बताओ था तो। मैया गुस्से में लग रही हो मेरी माँ, नाराज हो क्या? मीराबाई के बेटा था कि नहीं बताओ? मीराबाई के बेटा था, आप बताओ मैया। नहीं, कोई बेटा नहीं था मीराबाई के, कोई बेटा नहीं था। लोग कहते हैं जिसके बेटा नहीं होता वो अभागिन होती है, तो इस हिसाब से तो मीराबाई को भी आप लोग अभागिन कहेंगे। अभागिन कौन होती है? अच्छा ये बताओ, भाग्यशाली स्त्री और अभागिन स्त्री, भाग्यशाली पुरुष और अभागी पुरुष, कौन है अभागी कौन है भागी, कौन है अभागिन कौन है भाग्यशाली, आप बता पाएंगे? जिस माँ ने लादेन को जन्म दिया, लादेन जैसा बेटा होकर भी उसकी माँ भाग्यशाली थी कि अभागिन थी? जोर से बोलो। भाग्यशाली वो लोग नहीं है जिनके बेटा हो जाए, भाग्यशाली वो लोग हैं जिनका मन भगवान में लग जाए। बेटा के बाद लगे या बेटा के पहले लग जाए, मुद्दा ये नहीं है कि बेटा के बाद या पहले। मीराबाई का मन भगवान में लग गया तो उनके जैसा भाग्यशाली कौन? और आपके 10-10 बच्चे हो जाएं और मर जाओ संसार में उलझ के, तो कौन सी तुम्हारी मृत्यु? कुत्तों से अच्छी थोड़ी मृत्यु हुई फिर तुम्हारी। इसी मौत को जो बेटा बेटी पोता पोती में उलझ के मरते हैं, उसी मौत का नाम है कुत्ते की मौत। तो बेटा के मिल जाने से भाग्य जाग जाए ऐसा नहीं है, भगवान का मिलना जरूरी है। बेटे के लिए रोने वाले यदि भगवान के लिए रोए। मीराबाई के बेटा था तो नाम बताओ। स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था? आप कहते हैं महाराज जी हमारे कुल का नाम कौन रोशन करेगा? कुल का नाम बेटा रोशन करेगा? अरे तुम खुद करके जाओ ना अपने कुल का नाम रोशन, बेटों के भरोसे क्या बैठे हो? बताओ मोदी जी के कुल का नाम रोशन उनका बेटा करेगा कि वो खुद करके जा रहे हैं? फिर अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। बेटा क्या करेगा? तुम करके दिखाओ ना, जो करना चाहते हो, जो बेटे से उम्मीद है तुम खुद करो। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तन कर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। जो उम्मीद बेटों से है कि बेटा हमारे कुल का नाम रोशन करे, तो तुम भी तो अपने बाप के बेटे हो, तुमने कितना नाम रोशन किया? इसलिए बेटे क्या करेंगे, हम करें ना जो करना है। मीराबाई ने भी सोचा होता बेटा करेगा, स्वामी विवेकानंद जी भी सोचते कि चलो मैं कुछ ना करूं बेटा करेगा सब, फिर उनके बेटा भी सोचा बेटा करेगा, हो गया ऐसे गीदड़ों से भर गया।
जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। बताओ जगन्नाथ भगवान के पिताजी कौन है? आप उड़ीसा वाले भक्त बताएंगे। जगन्नाथ भगवान के पिता और माता जी कौन है, नाम बताओ। नहीं जानते इतिहास? हीरो हीरोइनों को सर्च करते रहते हैं दिन भर। अपनी संस्कृति अपने संस्कारों को हम खुद नहीं जानना चाहते, अपनी व्यवस्थाओं को हम खुद नहीं फॉलो करते। उन जो चरित्रहीन लोग हैं उनको हम सर्च करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? एक राजा थे उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी में, नाम था इंद्रद्युम्न। उन्होंने मंदिर बनवाया था, उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा माँ। आज भी भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा निकल के कहाँ जाती है? गुंडीचा माँ के मंदिर जाती है। उनका नाम है मासी माँ, वो उनकी माँ है। क्या हुआ था एक्चुअली, पूरी कहानी सुनो। अब चूंकि आप वहां से हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए, वैसे आपको मेरे को बताना चाहिए था, फिर भी ये दास बताएगा आपको। सुनो, एक राजा थे इंद्रद्युम्न, एक उनकी पत्नी थी माता गुंडीचा उनका नाम था। दोनों भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्यार करती थी, सवेरे पूजा, शाम को पूजा, भगवान से खूब प्रेम। दिन भर माँ उनके लिए कुछ ना कुछ बनाती ही रहा करती थी जगन्नाथ जी के लिए। एक दिन भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। माँ, मैं आपकी तपस्या से, आपके प्रेम से रीझ गया, मांगो। तो दोनों बैठे थे, पति पत्नी इंद्रद्युम्न और माता गुंडीचा। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा वरदान मांगो। राजा ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपसे प्रेम है, आपका दर्शन कुछ चाहिए थोड़ी, हम तो प्रेम करते हैं आपसे, चाहिए नहीं। नहीं नहीं कुछ मांग लो। तो राजा ने पत्नी की तरफ इशारा किया, इनसे बोल दो यदि ये कुछ मांगना चाहें। तो जगन्नाथ भगवान ने कहा कि मैं आपकी भाग्य की रेखाएं देख रहा हूं, आपके कोई संतान नहीं है, मैं आपको संतान योग देता हूं, जाओ आपके संतान होगी। गुंडीचा माँ ने तुरंत कहा हे प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे संतान नहीं है, आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? हमारी रोने लगी। भगवान बोले क्या हुआ माँ, मैंने क्या गलत कहा, आपके कोई संतान नहीं है? माँ ने कहा प्रभु है, आपको किसने कहा कि मेरी संतान नहीं है? है मेरी संतान। भगवान ने कहा मैं तो रेखाएं पढ़ने वाला हूं, मेरे से क्या छिपा है, तुम्हारे कोई संतान नहीं, अभी तक तुम्हारे कोई पुत्र नहीं हुआ, मैं देना चाहता हूं। माँ गुंडीचा ने कहा प्रभु मेरे तीन संतानें हैं, मेरे दो पुत्र हैं, एक पुत्री है। भगवान ने कहा आपकी संतान है और हमें पता नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कौन है तुम्हारे पुत्र, नाम बताओ। माँ गुंडीचा ने कहा प्रभु पहले बेटे तो आप ही हो जिन्हें जगत जगन्नाथ कहता है, दूसरे बलभद्र हैं और बेटी हमारी सुभद्रा है। भगवान की नेत्रों में, भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए कि इन्होंने हमें पुत्र रूप में भजा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। पुत्र नहीं है ये सवाल नहीं है, आप पुत्र के रूप में भगवान को स्वीकार कर लीजिए। जीवन में जिसका अभाव है उस अभाव में भगवान का भाव बना लीजिए। जगन्नाथ जी को उन्होंने बेटा कहा, भगवान ने कहा मां अब आपका बेटा आपकी सदा सेवा करेगा, और आज भी श्राद्ध पक्षों में आपको आश्चर्य होगा, आज भी श्राद्ध पक्षों में जगन्नाथ जी के हाथ से उन माता पिता का आज भी तर्पण और पिंडदान कराया जाता है आज भी। और साल में एक बार भगवान जब बूढ़ी हो गई ना मां,
तो मंदिर के ठीक सामने गुंडीचा माँ का महल है, वहां रहा करती थी। वहीं से रोज अपने बेटे जगन्नाथ जी को देखा करती थी। जब माँ बूढ़ी हो गई तो माँ आने जाने में असमर्थ हो गई, तो भगवान बोले अब तुम ना आया करो माँ, अब मैं मिलने आया करूंगा। उसकी याद में आज भी साल में एक बार ठाकुर जी अपनी माँ से मिलने अपने माँ के महलों में जाया करते हैं। आज भी उसी यात्रा को जगन्नाथ जी की यात्रा कहते हैं, अपनी माँ से मिलने जाते हैं। इस संसार की सबसे बड़ी यात्रा है जगन्नाथ जी की यात्रा। वो यात्रा तो उनके कोई पुत्र नहीं था, आपके भी आप में से कुछ लोगों के पुत्र नहीं होता तो आप रोते हैं, और उनके नहीं था तो उन्होंने भगवान को अपना मान लिया। मानने की देर तो है, भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारा ही हूं, तुम्हारा बनने को तैयार हूं, तुम तो अपना बनाने को तैयार हो जाओ मुझे। तुम अपना बनाने को तैयार होते ही नहीं तो भगवान बिना बनाए भाई आप हमें बुलाएंगे तब तो हम आपके पास आएंगे, आप बुलाएंगे नहीं हम कैसे आएंगे। तो आप बुलाओ तो सही, कहो तो सही कि हे नाथ आप ही हमारे सब कुछ हो, सब कुछ।